हेलो उमरा, मैं हूँ आपका अपना नासिर शेख, डायरेक्टर ऑफ क्वांटम एकेडमी। मैं आज आप सभी को ये बताने आया हूँ कि क्वांटम एकेडमी एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट है फॉर CBSE एंड ICSE। पिछले 5 सालों में हमने कई एक्सेप्शनल रिजल्ट्स दिए हैं इन CBSE एंड ICSE। अगर आप भी CBSE और ICSE बोर्ड में हैं और अपने ग्रेड्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आज ही हमें ज्वाइन कीजिए। जिम में पैसे इन्वेस्ट कराए, फिर भागीदारी को लेकर हुआ विवाद, आधे घंटे तक सड़क पर जमकर हुआ हंगामा, जानिए क्या है पूरा मामला। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 4 मई शनिवार को दोपहर के समय कौसा कलटैक्स पेट्रोल पंप के ठीक सामने नशे मन के पास बीच सड़क पर एक गुजरती हुई कार को कुछ महिलाएं कुछ युवकों ने रोक दिया। रोकने के बाद लगभग आधे से पौने घंटे तक यहां पर जमकर हंगामा हुआ। कार में बैठी हुई महिला और उसका एक साथी पुरुष लोगों को उड़ाने की कोशिश भी कर रहे थे। सब वीडियोज हम आपको दिखा रहे हैं कि आधे से पौने घंटे तक ये हंगामा सड़क पर चलता रहा, मगर पुलिस जो है कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। काफी देरी बाद कौसा बीट चौकी से एक कांस्टेबल या पुलिस नाइक यहां पर पहुंचा। पूरा मामला क्या है तो इसकी जो जानकारी सामने आई है वो कुछ इस प्रकार से है। कौसा में एक जिम है, गर्ल्स पावर जिम। अब ये गर्ल्स पावर जिम जो है, कोई रौनक शेख नाम की एक महिला है। कौन है रौनक शेख, आगे बताएंगे आपको। तो रौनक शेख ने ये जिम शुरू की, इसमें इन्वेस्टमेंट कराया शकीला अफजल खान से। शकीला अफजल खान ने 15-17 लाख रुपए कुछ इसमें इन्वेस्टमेंट किए, पूंजी निवेश किया। पैसे नहीं थे तो उसका कहना है कि उसने रौनक के ही कहने पे ब्याज पर पैसे लिए और इसमें इन्वेस्टमेंट किया। और जब ये जिम जो है, दोनों के बीच में भागीदारी को लेकर विवाद होने लगा, इनके पैसों की मांग होने लगी, विवाद बढ़ गया, तो इन्होंने इस जिम का नाम बदल दिया और उसे गर्ल्स पावर जिम से हटा करके अलग नाम रख करके खुद इसको चलाने लगे। तो इस बात पर रौनक शेख और शकीला के बीच, उनके समर्थकों के बीच झगड़े हो गए और झगड़ों के दौरान रौनक ने यहां पर, जो कि शकीला का और उनके लोगों का आरोप है, जिम में पहुंचकर बैनर फाड़े, राउटर तोड़ा, DVR तोड़ा, CCTV का तोड़फोड़ की और साथ ही वहां पर उनके लड़के का मोबाइल भी उसने छीन लिया। और उसके बाद वो जा रही थी तो पीछा करके उसकी गाड़ी को रोका गया और उसके बाद ये हंगामा हुआ। किस तरह की कानून व्यवस्था मोबरा कौसा में है वो इस हंगामे से दिखाई दे रही है। आधे से पौने घंटे तक यहाँ सड़क जाम है, लोग जो है भीड़ किए हुए हैं, हंगामा चल रहा है, लेकिन कानून और व्यवस्था बनाए रखने वालों का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। देखिए, इस मामले में हमारी शकीला अफजल खान से बात हुई है, क्या कह रही है। घटनास्थल के हंगामे खेज तमाम वीडियोस देखिए और उसके बाद शकीला खान ने क्या कहा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस स्टेशन में उनका कहना है कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। रौनक शेख की गाड़ी को जो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ था गाड़ी रोकने के दौरान, वो शिकायत जो ली जा रही है, वीडियोज आप देखेंगे और पुलिस की कार्रवाई जिस तरह से शकीला खान बता रही है की गई है देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि रौनक शेख कुछ पहुंच रखती है। रौनक शेख जिम चलाती है, इको विस्ट्रा कल्याण फाटा की तरफ जो टॉवर है वहां रहती है और भाजपा नेत्री रीदा रशीद पर जो पोक्सो का मामला दर्ज हुआ था उस मामले में रौनक शेख जांच के घेरे में आई थी। तत्कालीन जोन 1 के पुलिस उपायुक्त गणेश गावड़े ने मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश निर्देश पर उस वक्त रौनक शेख के घर पर पुलिस की टीम भेजकर उनके मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर और तमाम चीजों की छानबीन की थी और उसके आधार पर थाने सेशन कोर्ट में पोक्सो का जो स्पेशल कोर्ट होता है उसमें एक रिपोर्ट भी दायर की गई। रौनक शेख जो है वो इस मामले में मुलव्वस हुई थी, मगर आगे उस मामले में कोई कार्रवाई बढ़ी नहीं है। न्यायालय के आदेश पर सारा मामला रुका हुआ था, अब न्यायालय ने आदेश अब तक शायद किया नहीं है इसलिए उसमें कोई कार्रवाई हुई नहीं है। तो रौनक शेख और शकीला खान के जिम पार्टनरशिप का ये विवाद पूरा इस तरह से है और कौन है रौनक शेख वो भी हमने आपको जानकारी दी है। अंदर दबाओ, मैं अंदर दबाऊं, मैडम दबाओ अंदर, वो उनका मसला नहीं, पहले अंदर दबा दो आप। पूरी
क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूही अरब है, रूही इम्तियाज अरब। बहन, ये आप लोगों ने यहाँ पूरा ट्रैफिक जाम है और ये महिलाओं को आपने रोका है, तो ये क्या विवाद है आप लोगों का? आपने ये पूरे रास्ते पे उसे रोक दिया है। ये मेरी बहन है, इसने कम से कम 15 से 16 लाख रुपए इन्वेस्ट करी है गर्ल्स पावर जिम में। अब वो बोलती मैं एक रुपया नहीं दूंगी और आती है जिम में बार बार धमकी देती, कभी बैनर फाड़ती, कभी बैनर फाड़ के जाती है, कभी स्कैनर फाड़ती है, कभी फोन उठाती है, कभी सामान उठा के लेके जाती है। आज अभी मेरा बैनर फाड़ गया, अभी बैनर फाड़ के गई पूरी पूरी जिम में, जब पूरी जिम मेरी है। ये है शकीला, इसने पैसा इन्वेस्ट, आपने पैसा इन्वेस्ट किए थे, तो मतलब आपने किस चीज में पैसा इन्वेस्ट किया? जिम में, इसके जिम में। जिम में जब भी मंगने गई ना, तो मेरी बहन है, तू मेरी बहन है, आज नहीं धंधा होगा कल होगा, तू मेरी बहन है, बिजनेस। तो आपने मुमरा पुलिस को ये अपना कंप्लेन करी थी क्या? करी तो है ना, मेरा जिम का मोबाइल नहीं दे रही है, तो मैं गाड़ी स्टॉप करी उसको, मेरा मोबाइल क्यों नहीं देगी? ये गर्ल्स पावर जिम की ओनर है रौनक, रौनक रौनक नाम है इनका। ये गर्ल्स पावर जिम किस साइड है? अभी मोबाइल छीन के रखी है। गर्ल्स पावर जिम किस जगह है? कौसा में गर्ल्स पावर जिम कौसा, काका नगर में ना, ग्राउंड फ्लोर पे, माही के पीछे, उसकी ओनर है। बाहर निकालो उसको, ये भाई मेरे बेटे का मोबाइल है। क्या नाम है आपका? शकीला अफजल। मैडम, आपके तनवर के पास आज कुछ विवाद हुआ था, क्या पूरा मामला था, क्या कारण था विवाद? एक्चुअल में मेरे को है ना, वो जिम है ना लॉस में चल रही थी। कौन सी जिम? ये अपना गर्ल्स पावर सेकेंड ब्रांच कौसा का। हाँ, कौसा नहीं, सॉरी, अमृत नगर का। अच्छा, तो उधर है ना, मैंने ना जब देखी वो जिम में, क्या वो मतलब नहीं चल रही थी, तो 3 महीना हो गया था, और 3 महीना हो गया जब वो नहीं चलने लगी, तो मैंने उससे पैसे मांगे कि मुझे दे दे, और मैंने ब्याज से उठाई थी, और उसी ने मुझे ब्याज से लेने को लगाई थी, मेरे पास तो पैसा भी नहीं था, तो बोले अपन दोनों मिल के भरेंगे ये वो, तो मैं बोली अच्छी बात है। मगर किसने बोला था आपको? रौनक ने। रौनक कौन है? रौनक गर्ल्स पावर की ओनर। अच्छा, फिर? फिर आज ने उसने क्या बोली कि बहन अभी रुक चलेगी, धंधा पानी होएगा, अभी बारिश पानी में ऐसे ही रहता है, बहन बोल के कर। फिर आज ने उसने ना भाड़ा दी, जब से जिम ली हूँ मैंने, ना लाइट भी भरी, ना लड़कियों की सैलरी दी, सब मैंने ही करी हूँ आज तक 1.5 साल से पूरा। कितना पैसा दिया था आपने पार्टनरशिप में? 8.5 लाख रुपया। 8.5 लाख? हाँ, पहले उसने ना मेरे से लोन निकलवा के ली, जब बहन मेरा जिम टूट गया है, मेरे को ना पैसा चाहिए, तो मैंने उसको 1,86,000 लोन दी निकाल के, उसका EMI पकड़ के 3.5 लाख हो गया, तो वो है ना लोन का हफ्ता खाली एक या दो ही भरी, बाकी तो भरी नहीं थी, तो मैं उसको पैसे मंगने जाती थी लोन क्लोज करो, तो मैं 5 लाख का बंदोबस्त कर ले, तू मेरी पार्टनर बन जाओ जिम के अंदर। अच्छा, और 5 लाख का बंदोबस्त? और 5 लाख का बोली, तो मैं बोली नहीं मेरे पास तो अभी फिलहाल पैसे नहीं है, तो मैं बोली क्या जान देना, तो ब्याज से ले ले। अच्छा, तो ब्याज ने बोला चीज? ये रौनक ने बोली मेरे को, मैं बोली मेरे को कौन देगा ब्याज से पैसा भी, तो बोली रुक मैं एक नंबर देती हूँ, तो ये तो मेरी फ्रेंड थी रूही करके, तो बोली उससे ले ले तेरे को वो पैसा दे दीजिए, बोले। तो मैंने फ़ोन करी, माशाल्लाह उन्होंने भी दे दिए, और इसने बोली कि अपन दोनों मिलकर वो ब्याज भरेंगे, मगर वो ब्याज भी 15,000 रुपये मैंने कहा खाली मैं ही भरी, वो भरी नहीं रही मेरे लिए। अच्छा, और फिर बाद में है ना बोर्ड का है ना, जो बोर्ड है ना उसका लगा हुआ था, मैंने रख दिया रमज़ान के बाद में, उसने सब लोगों को कॉल करी कि मैं जिम बंद कर रही हूँ, मैं जिम कर रही बंद कर रही हूँ, मगर उससे पहले तो उसने मुझे जिम दी थी, उसका अधिकार ही नहीं था उसमें बोलने का कुछ। कब जिम दिए थे आपको? जिम मुझे इसने जब फर्स्ट उमरा करके आई थी ना, जब भी बोली मैं मेरे पास पैसा भी था नहीं है, अपना जो भी हिसाब किताब खत्म हो गया, और तू मतलब जैसे वो जिम पूरी की पूरी हैंड ओवर तू कर ले, लाइट बिल वगैरह क्या है तो वो देख ले, तो मैं बोली लाइट बिल तो ज़्यादा है ना, बस तो बोली क्या जान दे पूरी पूरी जो जिम ले ले, खा कमा रहे अच्छे से, यही बोली। तो फिर बाद में मैंने और ब्याज से पैसे, क्योंकि मैं उससे ब्याज का जो पैसा था ना वो मेरे से नहीं हो रहा था, क्योंकि उधर बिजनेस ही कुछ नहीं हो रहा था, तो मैं मांग रही थी उससे पैसा, तो बोली अच्छी बात में तू ही ले ले पूरी जिम। तो जब इसने मुझे दे दी, जब एग्रीमेंट मेरा पूरा उसका बना दी, ऑनर को एग्रीमेंट वगैरह बनाया, हाँ ऑनर का भी है। अच्छा, मेरा वो जगह का भी है ना, ऑनर ने भी, ऑनर को भी यही बोली कि मैं शादी रेंट एग्रीमेंट जो है रेंट एग्रीमेंट वो भी बनाया आप ही के नाम पे, मेरे नाम का ही बनाया। अच्छा, फिर? और फिर बाद में लाइट बिल का जो भी उसका मसला था, वो लाइट बिल सब चोरी वगैरह की वापस थी, मुझे कुछ मालूम नहीं था। फिर बाद में उसने क्या करी, मेरे को बोली पूरी की पूरी जिम तेरी, और फिर बाद में मैंने बोली कि मतलब जैसे है ना मेरे मामा है ना मुझे कुछ पैसा देना चाहते हैं कि ब्याज से वो तू छुटकारा पा ले, तो मैंने बोली मेरे मामा ने बोले 50% साइन करके ले गया, मैं इसके पास गई, तो इसने ना जनवरी में 30 तारीख को गई मैं, तो इसने दी नहीं, और क्या करी जाके ना लोगों को क्या बोली कि वो है ना रूही को लेकर मेरे को मारामारी करने आई और कंप्लेन दर्ज करने जा रही थी, तो वो कबीर भाई है ना उनके पास गया ये मैटर। अच्छा, कबीर कौन? कबीर चौधरी वकील ने एडवोकेट उनके पास, तो उन्होंने भी यही बोले कि मतलब दे दो, तो बोले मैं 2-3 दिन में जवाब दे, मगर ब्याज तो मैं ही भर रही थी ना,
इसने जवाब नहीं दी। आपने मतलब ब्याज पे पैसा उठा के पार्टनरशिप किए थे पहले, फिर उसके बाद आप कुछ जिम दे दी गई थी। हाँ, फिर ये बोली कि मेरे को जाने जिम तू पूरी पूरी के लिए, ना इसे ब्याज दी, ना इसे डेढ़ साल में भाड़ा दी, ना ही तो वो जो बैंक की ईएमआई जो इसने लेके लोन ली थी ना वो दी। और फिर बाद में मेरा जो 3 लाख का जो चेक है ना, बार बार मुझे उसकी धमकी देती रहती। अच्छा, मैं केस करूँगी। और मेरी जिम में आती है, मेरा स्कैनर फाड़ दी 2-3 बार, जिम से कितने सामान भी उठा के लेके गई। और फिर बाद में बोर्ड का जो नाम है ना, बोर्ड का नंबर बंद करी और क्लाइंटों को बोलती जिम बंद हो गई, तो क्लाइंटों बोले मैम जिम बंद हो रही है ऐसा ऐसा, हम लोग को हमारे पैसे दे दो अभी जस्ट ये एक हफ्ते में। तो मैंने क्या बोली, कोई बात नहीं, मैं मेरा बोर्ड लगाती हूँ ना, मैंने तो उसकी दोस्ती यारी में रखी थी, तो मैंने मेरा बोर्ड लगाई। आपने कौन से नाम का बोर्ड? हाँ, आमिना आमिना लेडीज, मतलब आमिना फिटनेस लेडीज जिम एंड ब्यूटी। अच्छा। हाँ, तो इसने आज सवेरे 9 के 10 बजे ना मेरे जिम में घुस के पूरा राउटर उठा के लेके गई, और कैमरा का जो रहता है ना मशीन वो लेके गई, और मेरा पूरा का पूरा फाड़ दी बैनर। और आके फिर मेरी लड़की को भी लेके गई स्टाफ पर, झूठ झूठ क्या बोलती है, बंद था उसका मोबाइल काफ़ी देर तक, तो मैंने यहाँ वहाँ बोली तो उसने चालू करी। जब मैं चौकी में गई, एक फ्रेंड को मैंने फ़ोन करी, और जो लड़कियाँ थी ना अंदर, उसने बोली बुरी तरह से तोड़े, और उनको लड़कियों को बोली कि मेरा जिम है ना पौसा में बहुत अच्छा है, तुम लोग वहाँ पे आओ, ये जिम कुछ नहीं है, इधर कुछ भी फैसिलिटीज नहीं है करके, ऐसा उसने बोली। पार्टनर है क्या ये करता है क्या जिम में इंसान? और जिम का पार्टनरशिप में 1.5 साल में उसने क्या सर्विस दी आके, क्या मेहनत करी है, और ना ही तो किसी को सैलरी भी दी, पूरा मैंने दी हूँ उसको। पूछे 1.5 साल में उसने क्या दिए जिम को, ना भाड़ा दी, ना सैलरी दी, ना लाइट बिल भरी, और मैं ब्याज भी मैं भर रही हूँ, जबकि ब्याज मेरे को बोली उसने क्या आधा आधा भरेंगे, ना ब्याज भरी ना लोन भरी, और 3 लाख के चेक से मेरे को धमकी देती है, और आके जिम में हमेशा तोड़फोड़ करके जाती है। और मैंने उसको छोटी बहन मानी करके आज तक कुछ बोली नहीं, मगर आज इसने मेरा बैनर फोड़ी, मेरा विश्वास टूट गया। और मैंने अभी सिम मांगी तो मेरे को क्या बोलती है, बार बार नहीं दूंगी। फिर इधर इसकी गाड़ी गई ना रोड पे, तो मैं सिम मोबाइल दे करके, क्योंकि इसकी जिम में जाएंगे ना तो बोलती झगड़े करती है, इसके मोबाइल है ना, मतलब जैसे जिम में जो कैमरा है ना सब में रिकॉर्डिंग वगैरह है इसकी, इसके लिए मैं नहीं जाती हूँ, क्योंकि ये झूठ झूठ बोलती है। और क्या बोलती, मुमरा में चाहे कोई कितना भी कुछ भी कर ले, मेरा कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता है, ऐसा सब बोलती है। मैं किसी से डरती नहीं हूँ, और पूरी सरकार इधर की मेरी है, तो इसको ऐसा कौन सा सपोर्ट है जो ये इतना गलत काम कर रही है मेरी जिम में, मारती है, लूटती है, आके गरीब लोगों को सताती है। मेरी भी किडनी पेशेंट हूँ, मेरे हस्बैंड है डायलिसिस पे, मैंने भी यहाँ वहाँ से कर्जे बट्टे से लेके ही पूरा जिम चलाई उसका। तो आप मुमरा पुलिस स्टेशन आए थे, क्या सोचा नहीं? तो उन लोग ने कुछ नहीं बोले, उन लोगों ने बोले आप है ना कोर्ट से लड़ो, उन लोगों ने ये एक भी एक्शन नहीं लिए, मेरा क्यों फाड़ी उसने बैनर करके, नुकसान हो गया, मेरा राउटर नहीं दे रही, मेरा मोबाइल नहीं दे रही, कुछ भी नहीं दे रही, क्यों नहीं दे रही वो, क्यों नहीं, मोबाइल अभी भी नहीं दे रही है कुछ भी, और उसकी कंप्लेंट अभी लिखाई जा रही है। अच्छा, उसकी कंप्लेंट हो रही है? हाँ, अभी उसकी कंप्लेंट लिखी जा रही है, क्योंकि उसकी गाड़ी को मार लगा तो उसका एक्शन लिया जा रहा है, और मेरा बोर्ड टूटा तो उसका एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है, क्यों उसने मेरा बोर्ड तोड़ी, मैंने तो पूरा उसके इजाजत के हिसाब से ही सब काम करी हूँ, उसका कोई गले पे नहीं करी, और मेरे को कुछ भी उल्टा सीधा बोलती है, क्योंकि बोलती मेरे पीछे बहुत बड़ा सपोर्ट है, तो क्या सपोर्ट है ऐसा, उसको क्या सपोर्ट क्या है ऐसा, जो एक औरत को फंसाती है, मैं पैसा 1.5 साल से मांग रही हूँ भिखारियों की तरह, जिम में जा जाके उसके दे नहीं रही है पैसा, ब्याज पे ब्याज मैं भर रही हूँ, लोन भी भर रही हूँ, और ये मेरे हस्बैंड है किडनी पेशेंट, क्यों ऐसा कर रही है, और रोड पे मेरे को गाड़ी भी चला रही है, मेरे बेटे को भी मार रही है, मोबाइल मांग, मेरे बेटे ने बोला मेरे मम्मी से बात करो, 2 मिनट गाड़ी में सड़का के बात करो, तो मेरे बेटे का मोबाइल छेड़ रही मार रही, 2 मिनट बात कर, इससे जिम में अगर कैमरा वाला है आवाज़ वाला है तो हम लोग क्या करेंगे, बोले कि लड़ाई झगड़ा करने आए ना, अभी यही बोल रही है, झूठी झूठी गवाही दे रही है। और उसका है ना वो जिम में कई पार्टनर है, एक रूही थी, इमरान एटीन आवर्स वाला था, उसके पास खुद पैसा नहीं था, लोगों से लेकर अपना ब्रांड चला रही, क्योंकि उसको ज़ेबा के टक्कर में ना सेकेंड ब्रांड डालना है, और ज़ेबा को बोलती क्या ज़ेबा की जिम ऐसी नहीं वैसी नहीं, उसके टक्कर में इसको ज़्यादा करके बोर्ड का लगता है, तो इसका ब्रांड मैं चला रही थी ना, तो इसने सिम कार्ड क्यों बंद करी बोर्ड का, और अपने जिम में रखी है सिम कार्ड रख के, और बोलती कि वहाँ से बिजनेस करी, 1.5 साल से तो जिम में कुछ बिजनेस नहीं करी, ना मेहनत करी, मेरे को तो कबीर भाई ने बोले कि तू 15,000 के हिसाब से 1.5 साल की सैलरी ले, 2,20,000 कुछ होता है, और पूरा के पूरा 18 घंटे ड्यूटी मैं दी हूँ, मेरे बीमार आदमी को लेके दी, स्टाफ को पूछो, स्टाफ लोग को डरा डरा के रखती है, बोलती बोलने का नहीं करते। ठीक है।